नगर के अग्रसेन चौक में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के लगभग 250 कार्यकर्ताओं ने भाजपा में प्रवेश किया। वहीं भाजपा में शामिल होने वाले प्रमुख चेहरे पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य सरपंच रह चुके कृष्ण कुमार गबेल ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया, जहां सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस को छोड़ भाजपा का दामन थाम लिया। वहीं कृष्ण कुमार के अनुसार वे कांग्रेस में उपेक्षित महसूस कर रहे थे। भाजपा की सांगठनिक क्षमता को देख उन्होंने भाजपा में प्रवेश करने का इरादा किया और अपने लगभग 250 कार्यकर्ताओं के साथ हम सभी ने के समक्ष भाजपा का दामन थाम लिया है। सक्रिय राजनीति में हूँ, जनपद का दो बार अध्यक्ष मैं रहा, एक बार मेरी श्रीमती जनपद की अध्यक्ष रही, वर्तमान में जनपद सदस्य हैं। सरकार की उपेक्षा को देख के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कोई भी काम नहीं कर पा रही, इंफ्रास्ट्रक्चर के कोई काम नहीं हो पा रहे हैं। सरकार नरवा गरवा घुरवा बारी के नाम पर सिर्फ लोगों को मिसगाइड कर रही है और कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हो पा रहा है, विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है। ऐसे उपेक्षा देख कर हमने भारतीय जनता पार्टी का शामिल हुए हैं और अपने सैकड़ों साथियों के साथ शामिल हुए हैं। आज शक्ति नगर के हृदय स्थल तहसील चौक में श्री कृष्ण कुमार गबेल जी, सत्यनारायण चंद्रा जी और करीब 200 से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, जोगी कांग्रेस के लोगों ने, बसपा के लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से प्रवेश किया है। कांग्रेस के साथ रहें, सब कुछ करें, बाकी हमन यहाँ चरण दास महान दास है तो हमन लोग का आदमी हमन लोग जाए नहीं दें, मिले नहीं दें, अपन निजी खर्च करके हमन रायपुर तक पहुँचे चरण दास महान के यहाँ, और बावजूद भी हमारे कोई सुनवाई नहीं हुई। मतलब सरपंच जो अभी सरपंच है वो भाजपा का आदमी है और बोलता है जा कुछ भी कर लो, मतलब हमारे जिंदाबाद मनहरन राठौर।